अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहिद रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Huawei वाई 3 के बारे में। व्यूअर्स, इस स्मार्टफोन को फाइनली पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया गया है और अब इसे हम परचेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन स्टोर से या किसी भी मार्केट से। तो व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन की और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में कि इसकी प्राइस कितनी है। तो पहले स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जो किसी भी स्मार्टफोन का मेन फीचर होता है वो होता है कैमरा। और कैमरा में इस स्मार्टफोन में जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल किया गया है और दीगर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं उसमें रैम होती है या बैटरी होती है। तो 1 GB की रैम इस्तेमाल की गई है और 22 MAH की बैटरी इस्तेमाल की गई है। इसके दीगर फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसका वेट है 175 ग्राम और डुअल सिम इसमें इस्तेमाल की गई है और डिस्प्ले जो है इसका 5.0 इंच का है और मल्टी टच इसमें अवेलेबल है। EMUI 4.1 मिनी इस्तेमाल किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें एंड्रॉइड के 6.0 मार्शमेलो इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा इसमें मेमोरी कार्ड जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं 128 GB तक, आप इसकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंटरनल मेमोरी जो है वो 8 GB है और 1 GB की रैम इस्तेमाल की गई है। कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो 8 MP का फ्रंट कैमरा इस्तेमाल किया गया है और जो सेकेंडरी कैमरा है वो 2 MP का इस्तेमाल किया गया। जियो टैगिंग, टच फोकस और फेस डिटेक्शन वगैरह के ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। तो इसके अलावा जो है वो साउंड के हवाले से इसमें वाइब्रेशन MP3 और वेव रिंगटोन वगैरह जो नॉर्मली तमाम ही स्मार्टफोन में अवेलेबल होती है। लाउड स्पीकर अवेलेबल है और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी इसमें अवेलेबल है। वाईफाई अवेलेबल है और इसके अलावा हॉटस्पॉट भी आप यूज कर सकते हैं। ब्लूटूथ में 4.0 ब्लूटूथ वर्जन इस्तेमाल किया गया है और इसके अलावा जो FM रेडियो भी इसमें इस्तेमाल किए गए जो कि काफी ज्यादा स्मार्टफोन से खत्म होता जा रहा है। तो इसमें वो इस्तेमाल किया गया है। अब आप पसंद करते हैं या नहीं वो आप पर डिपेंड करता है। USB इसमें जो है वो 2.0 इस्तेमाल की गई है। माइक्रो USB 2.0 वर्जन इसका इस्तेमाल किया गया। सेंसर जो इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है और एक्सेलेरोमीटर का जो सेंसर है वो इस्तेमाल किया गया है। और इसके अलावा जो HTML5 ब्राउजिंग जो इसका है वर्जन वो HTML5 इस्तेमाल किया गया है। और जो कलर है उसमें जिनमें आप इसको परचेज कर सकते हैं वो गोल्ड, पिंक, ब्लू, व्हाइट और ग्रे में इसको आप परचेज कर सकते हैं। और जो इसकी बैटरी है वो है 2200 mAh की बैटरी इस्तेमाल की गई है। रिमूवेबल बैटरी है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फाइनली व्यूअर्स, लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, जो जिसमें आप इसे परचेज कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो है 12,999 रुपए। ऑलमोस्ट 3,000 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट से ये दूसरे किसी कंट्रीज में परचेज करना चाहते हैं तो वो फाइनली हर कंट्री के हिसाब से इसकी प्राइस जो है वो सेट की गई होगी। तो आप चेक कर लीजिएगा परचेज करने से पहले। तो थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में बस इतना कहूंगा कि व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हो जाएगा। और अगर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे या किसी और चीज के बारे में कुछ पूछना चाहें या किसी और स्मार्टफोन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।